हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉरोस्कोप हम सबको अपनी राशि इंग्लिश में पता होना चाहिए अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए सो द फर्स्ट इज़ अक्वेरियस जिनकी कुंभ राशि होती है वो अक्वेरियस होती।, होती है अक्वेरियस इज़ अ कुंभ राशि एंड जिन जिन लोगों की राशि होती है जैसे जिनकी राशि कुंभ है उनको बोलते हैं अक्वेरियन सो द सेकेंड इज़ पाइसिस पाइसिस इज़ अ मीन राशि एंड पाइस इज़ अ मीन राशि एंड जिन लोगों की मीन राशि होती है वो होते हैं पाइशियन मीन राशि जिनकी होती है वो होते हैं पाइशियन द थर्ड वन इज़ कैप्रिकॉन कैपिकॉर्न इज अ मकर राशि सो कैपिकॉर्न इज अ मकर राशि एंड देर आर टू बेस टू कॉल इट द फर्स्ट इज़ कैप्रिकॉर्न एंड द सेकेंड इज कैप्रिकॉर्न सो इट्स अप टू यू वॉट यू वुड प्रेफर सो द फोर्थ वन इज़ सेजिटेरियन सेजिटेरियस सो द सेजिटेरियस इज़ अ धनुराशि सो धनुराशि इज़ अ सेजिटेरियस एंड हु जिनकी धनुराशि होती है उनको बोलते हैं सैजिटेरियन ओके सो द फिफ्थ वन इज जैमिनी सो जैमिनी इज़ अ मिथुन राशि एंड जिन लोगों की जिन लोगों की राशि मिथुन होती है वो भी जैमिनी होते हैं द सिक्स वन इज़ स्कॉर्पियो इस्कॉर्पियो इज़ अ ब्रेस्टिक राशि इस्कॉर्पियो होती है ब्रेस्टिक एंड द नेक्स्ट वन इज़ लिब्र लिब्र राशि होती है तुला और जिन लोगों की राशि तुला होती है उन्हें भी मतलब लिब्र ही बोलते हैं द नेक्स्ट इज बर्गो बर्गो इज़ अ कन्या राशि एंड द नेक्स्ट इज लियो लियो इज़ अ सिंह राशि एंड द कैंसर कैंसर इज़ अ कर्क राशि एंड द नेक्स्ट इज़ टोरस टोरस इज़ अ वृषभ राशि एंड द लास्ट वन इज़ ट्वेल्थ एरिस एरिस मेसराशि जिनकी होती है वो एरिस होती है द थर् थर्टींथ ऑन द थर्टीन एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो कि भविष्यवाणी करते हैं मतलब कि ज्योतिषी जो होते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं एंड द फोर्टीन ऑन द फोर्टीन इज एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष शास्त्र होता है उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में ज्योतिष शास्त्र को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज पामिस्ट हाथ पढ़ने वाले जो होते हैं जो भविष्य देखने वाले हाथ पढ़ने वाले उन लोगों को पामिस्ट बोलते हैं एंड ऑन द सिक्सटीन इज रीड पाम हाथ पढ़ने वालों को बोलते हैं रीड पाम हाथ पढ़ने को बोलते हैं रीड पाम एंड द लास्ट वन इज स्टार साइन राशि को इंग्लिश में स्टार साइन बोलते हैं दे इज अनदर वर्ड इज़ जोडयाक साइन So that's enough for today.